हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉपर्टी गाइड चैनल। तो आज देखिए, हम लोग आपके सामने आ चुके हैं और आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। और आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कि एक रियल एस्टेट एजेंट एक दूसरे एजेंट के साथ मिलके कैसे डील करता है। मतलब हाउ ए रियल एस्टेट एजेंट डू ए डील विथ अनदर एजेंट। तो ये चीज़ खास करके जो नए रियल एस्टेट एजेंट है उनके लिए हेल्पफुल है, और कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको इसके ऊपर जानकारी चाहिए कि एक एजेंट दूसरे एजेंट के साथ डील कैसे करता है, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए जानते हैं इसके ऊपर डिटेल में। तो दोस्तों, खास करके जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में है, कंसल्टिंग बिजनेस में है, उनके पास बहुत सारे इंक्वायरी रहते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी रहते हैं जिसका डील नहीं हो पाता है। तो उन लोग क्या करते हैं कि उनके ग्रुप में जो जानने वाले रियल एस्टेट एजेंट है, तो उनके ग्रुप में वो लोग सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि उनके इन्वेंट्री के मुताबिक कोई रिक्वायरमेंट है क्या, या उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी के पास इन्वेंट्री है क्या। मतलब आप समझिए, आपको 1 BHK चाहिए 50 लाख में, और आपके एजेंट के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो क्या करेगा, उसके एरिया के जो भी 30-40 एजेंट को जानता है, वो सबको कॉल करेगा या पर्सनली मीट करेगा या व्हाट्सअप करेगा कि किसी के पास 50 लाख में प्रॉपर्टी है क्या। फिर जिन जिन लोगों के पास रहेगा वो प्रॉपर्टी आपको दिखाएगा, और उसमें से आप कोई पसंद करोगे तो आपका डील फाइनलाइज होता है। तो इस तरीके से ये सारे रियल एस्टेट एजेंट काम करते हैं। और फिर ये कमीशन कैसे शेयर करते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है आपको। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपने आपके एजेंट को 50 लाख के ऊपर कमीशन पे किया, 2% या 1%, तो वो कमीशन उसने ले लिया। फिर जो सेलर था प्रॉपर्टी का, उसका जो एजेंट है, ओनर का कमीशन वो रख लेता है। या तो उसके बीच में मान लो 3-4 एजेंट इन्वॉल्व हैं, तो दोनों साइड का पेमेंट इकट्ठा करते हैं और डिवाइड बाई 2 या 3 कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से वो लोग अपना कमीशन शेयर करते हैं, जिसमें आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका तो काम हो जाता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदने गए थे 50 लाख का, और जिसके पास गए थे उसके पास नहीं था, लेकिन उसने कहीं से भी अरेंज करके आपको दे दिया सेम कमीशन पे। कमीशन ज़्यादा नहीं लिया उसने, अपने वाले 2% का बात किया था, आप 2% ही देना है। फिर वो लोग अपने आप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार एक एजेंट दूसरे एजेंट के साथ मार्केट में काम करता है। कुछ और भी ऐसे रियल एस्टेट एजेंट है जिन लोगों के पास प्रॉपर्टियाँ बहुत होते हैं लेकिन क्लाइंट नहीं होते। तो वो लोग क्या करते हैं कि सारे प्रॉपर्टी अलग अलग रियल एस्टेट एजेंट लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, या उनको बाय मेल या बाय वर्बली कम्युनिकेट कर देते हैं। और जब उनके पास क्लाइंट रहते हैं, उनके पास वो लेके आते हैं और प्रॉपर्टी दिखाते हैं, पसंद आ गया तो उनका डील हो जाता है। तो इस प्रकार की एक एजेंट दूसरे एजेंट के साथ काम करने से काफ़ी आसान हो गया एक डील क्रैक करने के लिए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नए नए इस बिजनेस पे एंट्री किए हैं, उनके पास मान लो 1 या 2 प्रॉपर्टी उनके पास आया है सेल करने के लिए। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में जितने भी रियल एस्टेट एजेंट है सबके हेल्प ले सकते हैं। मतलब सबके पास वो कम्युनिकेट कर दें कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है और आपके पास क्लाइंट रहेगा तो ज़रूर लेके आना, और बार बार उनको रिमाइंड भी करिए। तो क्या होता है कि आपका प्रॉपर्टी सेल होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। आपके पास मान लो 2 प्रॉपर्टी भी है और पूरा महीना आपने मेहनत की और दोनों प्रॉपर्टी का डील हो गया, और 1 या 2% के हिसाब से भी आप 70-80 हज़ार रुपया कमा लेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए बहुत सही है कि आप दूसरे एजेंट का मदद ले सकते हैं। तो अभी बात करेंगे हमारे रियल एस्टेट एजेंट बंधुओं के लिए कि वो लोग इसको और अच्छे से कैसे कर सकें। तो ख़ास करके एक एजेंट दूसरे एजेंट के थ्रू प्रॉपर्टी दिखाता है और डील हो जाता है तो दोनों के लिए फ़ायदा है। तो इसीलिए अब कभी भी कोई भी आपके पास इंक्वायरी आया है, उसका मैच प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपने रियल एस्टेट एजेंट के एसोसिएशन ग्रुप के व्हाट्सएप में चेक करेंगे कि किसी का इन्वेंट्री है क्या। या तो दूसरा रास्ता कि सारे ऑनलाइन साइट पे किसी ने लिस्ट किया क्या, और कभी भी कोई एजेंट को आप कॉल कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी उनका सेल पे रेंट पे आपने देख लिया ऑनलाइन और आपको कॉल कर रहे हैं और आप एक एजेंट हो, तो ज़रूर आप पहले डिक्लेयर करिए कि
कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो, सो एंड सो लोकेशन से बोल रहे हैं, और आपके पास एक क्लाइंट है जिसका बजट सो एंड सो है, और सामने वाले एजेंट को बोलिए कि आपका लिस्टिंग मैंने देखा साइट पे, तो वो अवेलेबल है क्या? तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि सामने एजेंट के पास मान लो वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट रहेगा, मतलब डायरेक्ट वो ओनर को जानते हैं, तो वो बोलेंगे हाँ अवेलेबल है, अब दिखा सकते हैं। मान लो उन्होंने किसी दूसरे एजेंट का प्रॉपर्टी अपने साइट में लिस्ट किया है, तो आपको बता देगा कि प्रॉपर्टी उनका खुद का नहीं है, दूसरे एजेंट का डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि उनको क्लाइंट के लीड्स चाहिए थे, वो प्रॉपर्टी अच्छा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है, तो उन्होंने डाल दिया। तो ये आपका ड्यूटी है, आप कभी भी किसी एजेंट को कॉल कर रहे हैं कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी इंक्वायरी के लिए, आप उनको बताइए कि आप एक एजेंट हो, फिर आगे का कम्युनिकेशन करिए। और कोई भी प्रॉपर्टी आप विजिट कर रहे हैं या विजिट करने वाले हैं एज ए एजेंट, आप सबसे पहले जो कमीशन आप लोग शेयर करने वाले हैं उसके ऊपर आप डिस्कस कर लीजिए। क्योंकि बहुत केस में क्या होता है कि सब कुछ होने के बाद फिर सामने वाला एजेंट बोलता है कि मुझे कमीशन कम मिलने वाला है या मुझे कमीशन में डिस्काउंट देने वाला है, और आप लोग 3 या 4 एजेंट उस डील को क्रैक किए थे, तो डिवाइड बाई 3-4 करेंगे तो एक साइड से कम पैसा आएगा, एक साइड से ज़्यादा आएगा। तो जिसके पास ज़्यादा आएगा वो चाहेगा नहीं, उसको सब लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसीलिए कोई भी प्रॉपर्टी विजिट करवाने से पहले, प्रॉपर्टी दिखाने से पहले, सामने वाले मान लो एजेंट है उसको डिटेल में बता दीजिए कि जो कमीशन आएगा आप आपकी साइड ले लीजिए, मैं मेरे साइड ले लूँगा, या जो भी आएगा प्लस करके हम लोग डिवाइड करेंगे, और कितना आएगा वो भी आप डिस्क्लोज करिए, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में या तीनों के बीच में ना हो। और कुछ रियल एस्टेट एजेंट है इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अपना दिखाएंगे और बोलेंगे मेरा ओनर कमीशन नहीं दे रहा है, या मेरा ओनर मुझे कमीशन 50% दे रहा है। तो वो लोग सोचते हैं कि सामने वाला एजेंट से जो कमीशन आएगा उसमें से ज़्यादा शेयर वो लोग ले लेंगे। लेकिन ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि ये रियल एस्टेट मार्केट में जो लोग भी काम करते हैं ये लोग लंबे टाइम के लिए काम करते हैं, और उस ओनर या वो डील में जो लोग इन्वॉल्व हुए थे आज नहीं तो कल सामने वाला एजेंट को कहीं ना कहीं डिस्क्लोज कर देते हैं रेट। तो तभी क्या होता है, आपका रेपुटेशन, आपने थोड़े से पैसे के लिए आपने छुपाए और डील कर दिए और आपने ज़्यादा पैसा लेके चले गए। लेकिन क्या होगा, जब उनको मालूम पड़ेगा कि सो एंड सो एजेंट ने हमारे साथ ये डील में चिट किया था, तो आप उनके सामने गिर गए और आपके साथ वो लोग कभी भी डील नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, जब उनको कहीं भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा तो आपका प्रॉपर्टी वो लोग डील करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी में आप उनके सामने एकदम नीचे रहेंगे। तो इससे आप एकदम सावधान रहिए, होशियार रहिए कि आप कभी भी डील में झूठ का सहारा मत लीजिए। मान लो आप किसी एजेंट के थ्रू प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो जब प्रॉपर्टी विजिट करने जा रहे हैं आपका एक रिप्रेजेंटेटिव या आपको खुद रहना ज़रूरी है, और जब उस प्रॉपर्टी को फाइनलाइज कर रहे हैं, जब मीटिंग के लिए बैठ रहे हैं, तभी भी आपका कोई ना कोई बंदा रहना ज़रूरी है। और थर्ड में जब उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तब तो आपको रहना ही पड़ेगा, आपको या आपका कोई ऑफिस का बंदा बहुत ही ज़रूरी रहना। और जब उसका फाइनल पोजिशन या फाइनल हैंडओवर तभी भी आपको रहना ज़रूरी है। तो ये बेसिकली एक टीम वर्क होता है कि आप लोग क्या करते हैं, एक डील है जिससे आपने को 1 लाख या 2 लाख रुपए मिलेगा, और उसमें 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग मिलके करते हैं, सब अलग अलग एजेंट रहते हैं। लेकिन जब ये डील आपके हाथ में आता है, मान लो आप उसको हैंडल कर रहे हैं, तो आप जो बाकी लोग इन्वॉल्व हैं आपके डील में उनका बुराइयाँ आप मत करिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मान लो एक एजेंट सारे डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, सारे पेमेंट फॉलोअप कर रहा है, बाकी 2 लोग चुप बैठे हैं, तो क्या करता है, बाकी जो चुप बैठे हैं उनका बुराइयाँ वो क्लाइंट के सामने करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि आपने आपको सुपीरियर बताने के लिए, ताकि अगली बार उनके पास वही लोग आए। तो ये गलत फहमियाँ, ये गलत चीज़ मत करिए, क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एजेंट जो फ्रेंड्स हैं उनको भी देंगे तो वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि एक प्रकार की कम्युनिकेशन गैप रहता है जिससे डील स्मूथली नहीं होता है। मतलब एक बंदा करेगा तो फटाफट हो जाता है, तो आपको बाकी जो 2-3 लोग हैं उनको हेड करना है और उनको रिप्रेजेंट करना है क्लाइंट के सामने। आपको बोलना है कि बाबा ये सारे काम मैं ही करूँगा, लेकिन जो भी कमीशन आपका बनता है आप अपने एजेंट को टाइम पे दीजिएगा,
मतलब आप उनके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो लोग आपका भी ध्यान रखेंगे। और कभी भी रेंट का डील हो रहा है, मान लो रेंट में कोई फ्लैट या दुकान या मकान आप भाड़े पे दे रहे हैं, तो रेंट पे देने के टाइम जो ओनर का एजेंट है खास करके, वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट ध्यान देगा तो ज़्यादा अच्छा है। कि ओनर इतना लाखों का प्रॉपर्टी वो किसी क्लाइंट को दे रहा है मंथली रेंट पे, तो ओनर का एजेंट उसको डॉक्यूमेंटेशन करेगा, तो ओनर के मुताबिक सारे पॉइंट्स सारे कंडीशन डालेगा और ओनर को सेटिस्फाई करते हुए वो प्रॉपर्टी लीज पे दे पाएगा। तो ये बेटर है, ओनर का एजेंट उसको रजिस्ट्रेशन का पार्ट संभाले, पुलिस वेरिफिकेशन का पार्ट संभाले। और मान लो प्रॉपर्टी बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है, उस केस में जो बायर के एजेंट है उनको डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। कि बायर का एजेंट मान लो करेगा, तो बायर का जो रिक्वायरमेंट है, बायर का बैंक का रिक्वायरमेंट है, वो समझ के वो डॉक्यूमेंट बनाएगा और उसी टाइम पे वो प्रोवाइड करेगा, ताकि पूरा डील फटाफट हो जाए। दोस्तों ये पूरा चीज़, ये जितने भी काम काज ये लोग ग्रुप में करते हैं या प्लस में करते हैं, दूसरे एजेंट के साथ डील करके क्लाइंट का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये सारे चीज़ ट्रस्ट पे होता है, गुडविल पे होता है। आप मान लो मार्केट में 6-7 एजेंट को जानते हैं जो अच्छे एजेंट हैं, मार्केट में टॉप एजेंट है, उनके साथ आप गुडविल बनाइए, एक ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट कैसे बनेगा, गुडविल कैसे बनेगा, वो मैं आपको सिखा नहीं पाऊँगा, वो आपको आप फाइंड आउट करना है। लगभग सबको मालूम रहता है, बस अपना थोड़ा सा फ़ायदा मत देखिए कि ये डील मैं करूँगा उसमें मैं 10,000 5,000 ज़्यादा ले लूँगा तो अच्छा है, ऐसा मत सोचिए। आप अपना दिल बड़ा रखिए और दिमाग शांत रखिए, ताकि आप क्या मार्केट में अपना नाम कमाते हुए, मार्केट में अपना एक गुडविल बनाते हुए आप आगे बढ़िए। इसके साथ में और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी भी मान लो आप ऐसे ग्रुप में डील कर रहे हैं, 3-4-6 एजेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी डील में, या दो भी एजेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, मान लो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इमिडिएटली आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, बायर सेलर और जो बायर का बैंक और दो दो एजेंट, और आपकी मान लो ऑफिस में कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो उसमें डील में इन्वॉल्व है, इस सब का एक ग्रुप बना लीजिए। अभी भी जब डील हो रहा है, मान लो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसी डील का, तो उसमें क्या कर सकते हैं, मान लो आपका क्लाइंट को एग्रीमेंट की जेरोक्स चाहिए, पुराने एग्रीमेंट की, आप डाल सकते हैं कि काइंडली प्रोवाइड द एग्रीमेंट अर्जेंटली, किसमें, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जो सेलर का एजेंट वो इमिडिएटली उसको रेडी करेगा, फिर उसी ग्रुप में डाल देगा, या आप कलेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी बैंक का कुछ क्वेरी आया तो उस ग्रुप में डाल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ओदर भी रहता है, बायर भी रहता है, एजेंट्स भी रहते हैं, सारे ग्रुप में रहते हैं। तो कोई क्वेश्चन अराइज होता है और कोई ड्यूटी पेंडिंग रहता है किसी की तरफ से, तो वो सबके लिए अनसरेबल है, उसको जवाब देना पड़ेगा सबको, क्यों डिले कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपका डील बहुत जल्दी होगा। तो अगली बार कोई भी आप डील करते हैं, चाहे सेल का करिए चाहे रेंट का करिए, आप 3-4 एजेंट इन्वॉल्व है, तो आप इमिडिएटली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और एक बार इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, खास करके हमारे रियल एस्टेट एजेंट फ्रेंड्स लोगों के लिए, और जो क्लाइंट जिनको इसके ऊपर जानकारी चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाने के लिए कंजूसी मत करिए, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हम लोग का प्रयास है कि रियल एस्टेट के ऊपर नए नए वीडियो हमेशा लाते रहेंगे और आपको वीडियो तुरंत मिले, ताकि आप ये रियल एस्टेट के ऊपर अपडेट रहेंगे, चाहे आप रियल एस्टेट एजेंट हो चाहे आप क्लाइंट हो। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।